क्लैट पीजी के लिए इंपॉर्टेंट केस लॉज की एक और सीरीज में आज आप लोगों का वेलकम करता हूं। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जरनैल सिंह वर्सेस लक्ष्मी नारायण गुप्ता के केस के बारे में, जो कि कंसेप्ट रेजोल्यूशन के ऊपर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, बहुत ही लैंडमार्क केस है। तो आपके एग्जाम के लिए आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अकॉर्डिंगली अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा था, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज हम लोग यहाँ पे रोज एक पैराग्राफ के साथ सिर्फ क्वेश्चन फोर्स करते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, आपकी प्रिपरेशन वहाँ पे काफी अच्छी हो जाएगी। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारा लास्ट मिनट प्रिपरेशन कोर्स ज्वाइन नहीं करा, तो यहाँ पे हम लोग आपके लिए वीडियो लेक्चर जितने भी आपके इंपॉर्टेंट केसेस है उनके लिए, और जो आपके वीकली अपडेट्स है वो, और साथ ही में आपके लिए 22 मॉक पेपर्स यहाँ पे हम लोग इंक्लूड करे हैं, जो कि आपके प्रिपरेशन के लिए काफी ज्यादा आपको हेल्प कर सकता है। अब चलिए बिना देर की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं इस केस के अंदर हिस्टोरिकल फैक्ट्स क्या है, कि कौन कौन से इसमें चीजें और इंपॉर्टेंट केसेस डिस्कस किए हैं। तो इसके अंदर सबसे पहला जो केस हम लोग देखेंगे वो है आपका इंदिरा साहनी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड करा कि जो आपका 50% रिजर्वेशन है वो केवल अप्लाई करेगा हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के ऊपर। जो वर्टिकल रिजर्वेशन होता है वो कि EWS और जो विमेन रिजर्वेशन होता है वो होता है वर्टिकल, और जो आपका हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होता है वो आपका होता है सीधे सीधे जो आपको SC ST OBC में जो आपको दिखना मिलता है वो, और जो परसेंटेज होती है उसके अंदर। और इसके लिए उन्होंने आगे बोला कि जो आर्टिकल 16(4) है ना, वो प्रोवाइड नहीं करता है रिजर्वेशन इन मैटर्स ऑफ प्रमोशन, कि आपको किसी जॉब में प्रमोशन चाहिए उसके लिए रिजर्वेशन यहाँ पे नहीं होगा। फिर जो जजमेंट था उसने फिर कंसेप्ट ऑफ क्रीमी लेयर को भी इंट्रोड्यूस करा और कहा जजमेंट के अंदर कि इसका एक प्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन जो होता है ना वो उन प्रमोशंस पे नहीं होगा जो कि इसके पहले यहाँ पर हो चुके थे, जजमेंट के आने के पहले केवल बाद वालों में होगा। अब लेटर इस चीज को ओवरूल करते हुए यहाँ पे पार्लियामेंट ने क्या करा ना, 77th अमेंडमेंट के थ्रू 16(4)A को ऐड करा और यहाँ पे स्टेट को पावर दे दी कि वो भैया प्रमोशंस रिजर्वेशंस के अंदर रिजर्वेशन प्रमोशन को वो लोग SC ST कैटेगरी के लिए कर सकते हैं जॉब्स के अंदर। इसके बाद 1985 में सुप्रीम कोर्ट के सामने एक और केस आया, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेज वीरपाल सिंह चौहान। इस केस के अंदर जो आपका रोस्टर पॉइंट होते हैं ना, प्रमोटीज जो आपके होते हैं, उनको बेसिकली बेनिफिट मिला, जो मिला हुआ था यहाँ पे एक्सेलरेटेड प्रमोशन का, उनको यहाँ पे कॉन्सिक्वेंशियल सीनियोरिटी नहीं मिलेगी अकॉर्डिंगली, इसमें ये कोर्ट ने ये हेल्ड करा। इवेंचुअली फिर 85th जो आपका अमेंडमेंट था 2001 का, उसके अंदर 16(4)A के अंदर जो है अमेंडमेंट करा गया और फर्दर ही प्रोवाइड करा गया कि जो बेनिफिट होता है ना कॉन्स्टिट्यूशनल सीनियोरिटी का, वो यहाँ पे प्रोवाइड होगा SC ST के कैंडिडेट्स को अगर स्टेट के ओपिनियन में ऐसा लगता है स्टेट को कि वो एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड नहीं है इन द सर्विसेज ऑफ द स्टेट, स्टेट गवर्नमेंट की नौकरी में अगर वो नहीं है तो वो अकॉर्डिंगली वो कर सकते हैं, और सेंट्रल के साथ वही चीज़ है। उसके बाद अकॉर्डिंगली इन द मीन टाइम ये भी ऑब्जर्व करा गया कि बहुत सी ऐसी सीट्स जो कि अनफिल थी और उसके लिए कोई ऐसा प्रोविजन था नहीं कैचअप रूल का कि भाई जो लोग बेसिकली अभी प्रमोट हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं वापस, मतलब जो सीट्स ने जो है कोर्ट ने ये करा था, देयरफॉर पार्लियामेंट ने यहाँ पे क्या करा कि 81st अमेंडमेंट वो लोग फिर से ले आए और इसके अंदर इन्होंने क्या करा कि इसके अंदर 16(4)B ऐड कर दिया गया, 16(4)B, और यहाँ पे प्रोवाइड करा गया कि जो कैचअप रूल होता है ना वो स्टेट को एम्पावर करता है कि वो वैकेंसीज को फिल कर पाए जो कि अनफिल्ड रह गई हैं प्रीवियस ईयर में, मतलब जो आपकी अनफिल्ड रह गई उसके अलावा जो एक्स्ट्रा मतलब बाकी हैं उसके अंदर भी वो ऐड कर सकता है। ये जो प्रोविजन था, जितने भी आपके इसमें ट्रेनिंग टर्म्स यहाँ पे हैं वैकेंसीज ऑफ ईयर जो कि फिल्ड थे, डिटरमाइनिंग द सीलिंग ऑफ 50% रिजर्वेशन ऑन द टोटल ऑफ ईयर्स, ये सब कुछ इसमें इंक्लूड करा गया था। अब इन सारी चीज़ों को लेकर यहाँ पे चैलेंज करा गया एम नागराज वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस में, जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने ये सब चीज़ें रखी गई और उन्होंने ये हेल्ड करा कि जो आपका 16(4)A है और 16(4)B है वो इनेबलिंग प्रोविजंस हैं, और ये कहा कि जो उनकी वैलिडिटी है वो बिल्कुल ठीक है और स्टेट बेसिकली बाउंड नहीं है कि वो SC ST के यहाँ पे रिजर्वेशन दे इन प्रमोशन, ये एक तरीके से इनेबलिंग प्रोविजन, अगर चाहे तो स्टेट करे चाहे तो वो ना करे, ये बेसिकली उसके डिस्कशन के ऊपर है कि वो कैसा चाहता है, आफ्टर कलेक्टिंग क्वांटिफाइबल डेटा ये शो करने के लिए कि ये जो आप बेसिकली कह रहे हो ना कि हाँ बैकवर्डनेस है, ये बैकवर्डनेस कैसे है और जो इनएडिक्वेसी है रिप्रेजेंटेशन का वो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में किस तरीके से इन एडिशन टू कंप्लायंस विद आर्टिकल 335 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। फिर लेटर आपके कुछ और बीच में केसेस जैसे कि स्टेट ऑफ त्रिपुरा वर्सेज JN चक्रवर्ती, फिर स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेज विजय जॉर्ज, जहाँ पे डिविजनल बेंच है, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बेसिकली कहा कि जो नागराज का जजमेंट था 5 जजेस का उसको रिव्यू करने की ज़रूरत है, और उन्होंने कहा कि ये जो जजमेंट है ना इसकी जो पोजीशन है वो जो इंदिरा साहनी का जजमेंट था 9 जजेस का उसके अगेंस्ट में है। तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे कन्वीन हुई बेंच फिर से, और जरनैल सिंह वर्सेज लक्ष्मी नारायण गुप्ता का एक केस आया 2018 का, ठीक है, जरनैल सिंह लक्ष्मी नारायण ये वन है आपका। इसमें जो बेंच थी उन्होंने ये तो नहीं कहा कि जो नागराज का जजमेंट है वो एकदम ही गलत है, बट कोर्ट ने हाउएवर ये ऑब्जर्व करा कि यहाँ पे जो कंक्लूजन था ना बेंच का इन सो फार एज की जो क्वांटिफाइबल डेटा की यहाँ पे ज़रूरत होती है जो कि बैकवर्डनेस शो करेगी SC ST के उसके लिए, वो इनवैलिड है बिकॉज
जो है जो यहाँ पे इंद्र साहनी के जो लार्जर जजेस का जो बेंच था उसमें ये कोर्ट ने हेल्ड करा था कि जो कंडीशन है ना सोशल और एजुकेशनल बैकवर्डनेस की, वो प्रिज्यूम की जाती है, उसके लिए आपको अलग से डेटा जुटाने की ज़रूरत नहीं है इस केस में, और अकॉर्डिंगली यहाँ पे जो प्रायर डिस्क्रिमिनेशन है उसकी वजह से जो इल इफेक्ट्स आ रहे हैं आपको यहाँ पे बेसिकली क्वांटिफाइबल डेटा यहाँ पे देने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा कोर्ट ने ये हेल्ड करा कि जो ऑल अदर ग्राउंड्स है ना वो सब कोर्ट रिजेक्ट करे, और उन्होंने ये रिइटरेट करा कि जो स्टेट है उसको क्वांटिफाइबल डेटा कलेक्ट करना है फॉर इनएडिक्वेट यहाँ पे रिजर्वेशन इस चीज़ के लिए, और अगर रिजर्वेशन प्रोवाइड करना है तो अकॉर्डिंगली उसको प्रमोशंस के लिए तो करना पड़ेगा। तो इस सिचुएशन में वो और बेसिकली कंफ्यूज हो गई, यहाँ पे कॉम्प्लिकेट हो गई जब हाई कोर्ट्स के सामने ये मैटर आया रिजर्वेशन को जुड़ा हुआ, जहाँ पे एक डाउटफुल पोजीशन ऑफ लॉ बनी हुई थी कि जो यहाँ पे पोजीशन है और जो सुप्रीम कोर्ट के सामने पेंडिंग था सब चीज़ें उसको कॉन्ट्री पोजीशन जो नागराज में लिया गया, उस सब चीज़ों की वजह से कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ। तो यहाँ पे एक नई बेंच फॉर्म करी गई बेसिकली, जहाँ पे जस्टिस एल नागेश्वर राव, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बी आर गवाई थे, और इस प्रेजेंट केस के अंदर बेसिकली उन्होंने क्लियरली यहाँ पे स्टेट करा बिफोर हैंड कि जो आप में था उसको भी उन्होंने करने से मना कर दिया। यहाँ पे बस उन्होंने जो कुछ पॉइंट्स थे जिसमें कन्फ्यूजन उसको यहाँ पे क्लियर किया है। तो यहाँ पे इश्यूज जो थे एक एक करके हम लोग उनको देखते हैं, कोर्ट ने इश्यूज पे क्या हेल्ड करा उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला जो इश्यूज था ना यहाँ पे वो ये था अकॉर्डिंगली, जो कि यहाँ पे अटॉर्नी जनरल के साथ फिक्स करा गया था कि कौन सी ऐसी यार्ड स्टिक है जिसके के थ्रू आप ये कह सकते हो कि जो नागराज का जजमेंट है ना उसके अंदर कोई ये बता पाए कि क्वांटिफाइबल डेटा के अंदर जो आपको इनएडिक्वेसी शो करनी है उसका मतलब क्या है, एग्जैक्टली क्या उसके लिए क्या मतलब कितना डेटा शो करना है, क्या करना है, वो चीज़ के बारे में दूसरा था। दूसरा था कि कौन सी ऐसी यूनिट है विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिफाइबल डेटा जिसको कि आपको इनएडिक्वेसी शो करने की ज़रूरत है, जो कि रिक्वायर्ड है टू बी करेक्टेड। फिर अगला ये था कि जो आपकी प्रमोशन होती है, सॉरी जो प्रपोर्शन होता है पॉपुलेशन का और सीएसटी के कंपैरिजन में टू द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, क्या उसको हम लोग को एज अ टेस्ट लेना है फॉर डिटरमाइनिंग एडिक्वेसी रिप्रेजेंटेशन फॉर प्रमोशन फॉर पर्पज ऑफ आर्टिकल 16(4) है, ये अगला रहा। फिर इसके बाद कोर्ट ने ये बेसिकली कंसिडर करना था कि क्या एक टाइम पीरियड यहाँ पे होना चाहिए इन एडिक्वेसीज को रिप्रेजेंट करने के लिए। फिर अगला ये था कि जो जजमेंट है आपका नागराज का क्या वो ऐसा कहा जाता है कि वो प्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करेगा, फिर उसका क्या वो होना चाहिए। फिर आखिरी जो ये था वो आखिरी जो आपका इशू था वो ये था कि जो क्वांटिफाइबल डेटा है उसके अंदर अगर हम लोग इनएडिक्वेसी शो कर रहे हैं रिप्रेजेंटेशन की जो कलेक्ट हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ सैम्पलिंग मेथड्स एज हेल्ड इन बीके पाइथ्रा टू, क्या वो सही है, या जो जजमेंट था वो जस्टिस अल नागेश्वर राव ने ऑथर करो, उन्होंने कुछ जो आंसर्स थे उनको ऐसे दिया। उन्होंने सबसे पहले ये कहा कि जो यहाँ पे यार्डस्टिक की बात करी गई है ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिफाइबल डेटा उसको लेके कोर्ट ने ये बोला कि हम लोग इस ओपिनियन पे है कि यहाँ पे कोई भी ऐसी यार्डस्टिक कोर्ट ले डाउन नहीं कर सकती फॉर पर्पज ऑफ डिटरमाइनिंग कि एडवोकेसी ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एससी एसटीज का क्या रहेगा प्रमोशनल उसके लिए। और अकॉर्डिंगली उन्होंने वेरियस अथॉरिटीज को साइड करते हुए ये बोला कि ये चीज कोर्ट के लिए प्रॉपर नहीं होगी कि वो कोई एडवाइजरी यहाँ पे इशू करे कि जो एग्जीक्यूटिव या फिर जो आपका मैटर होता है लेजिस्लेचर का उसकी डोमेन में वो जाके कहीं ना कहीं इंटरफेयर करे, तो फिर वो यहाँ पे इसके लिए कोई जजमेंट नहीं देने वाली। फिर जो यहाँ पे सेकेंड इशू था कि अगर हम लोग को क्वांटिफाइबल डेटा कलेक्ट करना है उसके लिए कोर्ट ने ये कहा कि बिफोर प्रोवाइडिंग कोई भी रिजर्वेशन इन प्रमोशन टू अ कैडर ये स्टेट की ऑब्लिगेशन है कि वो कलेक्ट करे क्वांटिफाइबल डेटा रिगार्डिंग द एडवोकेसी ऑफ रिप्रेजेंटेशन फॉर एस सी एस टी, और ये जो कलेक्शन है ना इन्फॉर्मेशन का फॉर एडवोकेसी ऑफ एस सी एस टी एंड वो विद रेफरेंस टू एंटायर सर्विस या क्लास ऑफ ग्रुप नहीं होना चाहिए, बट होना चाहिए विद रेफरेंस टू ग्रेड और कैटेगरी ऑफ पोस्ट जिसके लिए यहाँ पर प्रमोशन को सॉर्ट करा जा रहा है। कैडर का मतलब होता है यूनिट फॉर द पर्पज ऑफ विच यहाँ पे कलेक्शन ऑफ क्वांटिफाइबल डेटा होना चाहिए इन रिलेशन टू द प्रमोशनल पोस्ट, जो कि बिल्कुल मीनिंगलेस होगा अगर जो डेटा है रिप्रेजेंटेशन का सीएसटी का वो पूरी सर्विस के लिए अगर आप लेके यहाँ पे कहीं ना कहीं चल रहे हो। फिर जो थर्ड इशू था वो ये था कि यहाँ पे जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बात करी क्या वो एक टेस्ट ऑफ एडिक्यूसी के तौर पर हेल्ड किया जा सकता है या फिर नहीं, उसके लेके कोर्ट ने यहाँ पे ये कहा कि हम लोग यहाँ पे परसुएडेड नहीं है टू एक्सप्रेस एनी ओपिनियन ऑन दिस आस्पेक्ट। यहाँ पे जो बेसिकली स्टेट है वो असेस कर सकती है एडवोकेसी ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एस सी एस टी बाय प्रमोशनल पोस्ट बाय टेकिंग इनटू अकाउंट रेलिवेंट फैक्टर्स अकॉर्डिंगली। फिर जब टाइम पीरियड की बात आई तो कोर्ट ने ये इशू यहाँ पे हेल्ड करा कि जो यहाँ पे पार्टीज हैं टू द मैटर वो ऑलमोस्ट यूनानिमसली ये चीज़ बोल रही हैं कि जो डेटा है उसको पीरियडिकली रिव्यू करना चाहिए, बट अकॉर्डिंग टू कोर्ट उन्होंने ये बोला कि जो यहाँ पर प्रपोजिशन है उसको हम लोग यहाँ पे रिफ्रेन करते हैं फ्रॉम सेटिंग आउट अ टाइम पीरियड एट द बिहेस्ट ऑफ द कोर्ट, और ये चीज़ गवर्नमेंट की कंसिडरेशन के ऊपर छोड़ दी जाए कि कैसे उस चीज़ को देखना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि एज रिगार्ड्स टू द रिव्यू हम लोग इस ओपिनियन में है कि जो डेटा यहाँ पे कलेक्ट करा जा रहा है फॉर डिटरमाइनिंग द एडुकेसी और प्रेजेंटेशन फॉर द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग रिजर्वेशन इन प्रमोशंस नीड्स टू बी रिव्यूड पीरियडिकली
जो पीरियड ऑफ रिव्यू है वो रीजनेबल होना चाहिए और गवर्नमेंट के ऊपर है कि वो कैसे इस चीज़ को सेट आउट करती है अकॉर्डिंगली। फिर जो आपका अगला इशू था वो ये था कि जो इशू है प्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन का, उसका क्या सीन रहेगा। उसके लिए कोर्ट ने ये बोला कि जो यहाँ पे रेफर्ड है डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग, उसने ये 11 जजेस बेंच है जो आई सी गुलतनाज के उसमें आई थी डिसीजन में, उसके अंडर आर्टिकल जो 142 है वो प्रिवेंट करता है कोर्ट को कि वो प्रिवेंट करने, इनजस्टिस प्रिवेंट करने के लिए, जेपराइज करने के लिए स्टेटस को वो इस तरीके का कोई भी रूलिंग दे सकती है। और अकॉर्डिंगली ये जो डॉक्ट्रिन है ये ले डाउन करता है कि आर्टिकल 142 के अंदर ये रिस्ट्रिक्टेड है टू ऑपरेट इन फ्यूचर ओनली। तो अकॉर्डिंगली कोर्ट ने ये बोला कि जो एज जो प्रिंसिपल्स हैं आपके एम नागराज के अंदर है वो इफेक्टिव रहेंगे फ्रॉम द ईयर ऑफ 1985, और अकॉर्डिंगली ये चीज़ बहुत ज़्यादा डेटिमेंटल होगी टू द इंटरेस्ट ऑफ द नंबर ऑफ सिविल सर्वेंट्स, जो कि अकॉर्डिंगली अगर इस चीज़ का रहता तो अनसेटलिंग यहाँ पे सीनियरिटी होती इंडिविजुअल की फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ये चीज़ नेसेसरी हो जाती है कि एम नागराज जजमेंट को अकॉर्डिंगली प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के हिसाब से देना जाए बिकॉज यहाँ पर दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। फिर आखिरी उसके लिए कोर्ट ने ये बोला कि जो आपका इशू है क्वांटिफाइबल डेटा और सैम्पलिंग मेथड के, उसके लिए क्या किया जाए। कोर्ट ने यहाँ पे ये हेल्ड करा कि जो बीके पवित्र सेकंड का जजमेंट है उसके अंदर अप्रूव ग्रुप्स होते हैं और ना कि कैडर होते हैं फॉर द पर्पज ऑफ कलेक्टिंग एंड सैम्पलिंग ऑफ डेटा, ऑन द कॉन्ट्ररी टू द पोजिशन जो कि अडॉप्ट करी गई थी इन द केस ऑफ नागराज एंड जरनैल सिंह। अकॉर्डिंगली उन्होंने ये बोला कि जो बीके पवित्र का जजमेंट है ना पर्सुएंट टू सच ऑब्जर्वेशन उसको ये लोग ओवर रूल करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ कलेक्टिंग कॉन्फिडेंशियल डेटा, और इस चीज़ को एसेस करने के लिए कि एस सी एस टी इसको यहाँ पे कितना यहाँ पे रिजर्वेशन देना है फॉर द पर्पज ऑफ प्रमोशन, कैडर जो कि पार्ट होता है ग्रुप का एज अ यूनिट और उसके ऊपर बेसिकली डेटा कलेक्ट होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू ईच कैडर, और देयर फोर उन्होंने ये हेल्ड करा कि जो कंक्लूजन है इस कोर्ट का बीके पवित्र सेकंड के हिसाब से उन्होंने अप्रूव करा कलेक्शन ऑफ डेटा ऑन द बेसिस ऑफ ग्रुप्स एंड नॉट ऑन द कैडर एज कॉन्ट्ररी लेड डाउन इन एम नागराज एंड जरनैल सिंह। अकॉर्डिंगली अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को जरूर शेयर करिए जो कि क्लैट पीजी की तैयारी कर रहे हैं। अकॉर्डिंगली अगर आपको हमारे जो कोर्स है उसमें अगर आपको एनरोल करना है तो उसके लिए आपको लिंक भी अभी आपके स्क्रीन पे मिल जाएगा। एंड आई विश यू द वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। थैंक यू वेरी मच।